कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में एकमात्र जिंदा बचे वरुण सिंह। वरुण सिंह का खत हुआ वायरल। वायरल खत में ग्रुप कैप्टन ने छात्रों को दी सलाह। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला। इंटरनेशनल फ्लाइट 31 जनवरी तक सस्पेंड। डीजीसीए ने जारी किया आदेश। मेरठ में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिया बयान। कहा मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। कानपुर देहात में सामने आई पुलिस की बर्बरता। पुलिस ने चुराई मासूम के पिता पर लाठी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे के कारण पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। इस बीच इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का एक खत चर्चा में है। ये खत सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखे इस खत में उन्होंने छात्रों को कहा कि औसत दर्जे का होना ठीक होता है। हर क्षेत्र में बेहतर करने की उम्मीद रखने वाली दुनिया में औसत दर्जे का होने को नॉर्मलाइज करने वाला ये खत लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। कैप्टन वरुण सिंह खत में आगे लिखते हैं, औसत दर्जे का होना ठीक बात है। स्कूल में हर कोई उत्कृष्ट नहीं होता और सभी 90% अंक नहीं ला पाते। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एक उपलब्धि है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये मत सोचिए कि आप औसत दर्जे का होने के लिए बने हैं। हो सकता है कि आप अपने स्कूल में औसत दर्जे के छात्र हों, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि जीवन में आने वाली चीज़ें भी ऐसी ही हों। स्कूल के नंबर से आप अपना भविष्य नहीं देख सकते। और ये जो खत है वो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और जो यंगस्टर्स हैं वो इस खत को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो इसमें बातें लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं बेहद पसंद की जा रही हैं। तो वरुण सिंह का ये खत वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे में सिर्फ एक शख्स हैं जो जिंदा बच्चे हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, और इनका लिखा हुआ खत अब तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जहाँ उन्होंने छात्रों को एक सलाह दी है कि ठीक है, आप औसत दर्जे के हैं, आपके अंक कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य भी औसत रहने वाला है। हो सकता है कि आप भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं, आपके अंदर लगन है, तो बखूबी आप औसत से अव्वल दर्जे के हो सकते हैं। और जो आपके स्कूल में नंबर आते हैं, इससे आप भविष्य को नहीं आंक सकते। इस खत को बेहद पसंद किया जा रहा है और लोगों की तमाम जो टिप्पणियां हैं इस पर आ रही हैं। तो ये वो खत है जो वरुण सिंह ने लिखा था। ग्रुप कैप्टन ने छात्रों को विशेष सलाह दी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चिंता के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 26 नवंबर को सरकार ने घोषणा की थी कि 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा और सामान्य सेवा बहाल होंगी। एक सप्ताह से कम समय में ही इस फैसले पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि 26 नवंबर को जारी सर्कुलर में आंशिक संशोधन के तहत सक्षम प्राधिकारी ने भारत से आने जाने वाली निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य यात्री सेवाओं के निलंबन को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया। ये प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाजों और विशेष रूप से मंजूर किए गए विमानों पर लागू नहीं होगा। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का नया वेरियंट एक बार फिर से खतरे में डाल रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार इस बार कोई भी चूक नहीं चाहती है और इसी कड़ी में भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि आने वाली 31 जनवरी तक, यानी कि 2022 से 31 जनवरी तक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो कहीं ना कहीं बाधित रहेंगी। हालांकि जिनको पहले ही मंजूर किया जा चुका है, जो मालवाहक जहाज हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला है।
जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सेणा में पहुंचकर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां पर मौजूदा लोगों के साथ 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान उन्होंने सीडीएस के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर सांत्वना दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत को हमेशा याद किया जाएगा और वो हमेशा हमारे लिए अमर रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी से सीडीएस रावत का पैतृक गांव, जहां पर जिलाधिकारी पहुंचे, उन्होंने शहीद विपिन रावत उनकी पत्नी को नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका यूं चले जाना एक गहरी क्षति है, इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, उनसे भी मुलाकात यहाँ पर करते हुए वो नजर आए हैं। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस का जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सेणा, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, साथ में परिवार के साथ में जो है हमने शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बात किया। परिवार द्वारा इस बारे में कराया गया है कि ग्राम की अन्य समस्याओं के साथ साथ सड़क की एक प्रमुख समस्या उनको महसूस होती है, उस संबंध में कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया है। इसमें हमने पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी से वार्ता किया है, उन्होंने अवगत कराया है कि इसमें एक सड़क सैंक्शन हो रखी है, सिर्फ 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य भी अवशेष है, उसको प्रारंभ इसी वर्ष में किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्य शासन स्तर से उसको हम लोग शीघ्रता से करने का प्रयास करेंगे। देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित देश के 13 जाबाज सैनिकों की बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु की खबर से पूरा देश तब और दुखी है। सितारगंज में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जाबाज सैनिकों के शहीद होने पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों सदस्यों की तरफ से उन्हें अदम्य शौर्य, साहस और देश सेवा को याद करते हुए नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। तो देश उन्हें याद कर रहा है, देश लगातार ये कह रहा है कि उनके शौर्य को, उनकी गाथा को कोई भुला नहीं सकता है। सितारगंज की तस्वीरें, सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। दरअसल बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु की खबर से पूरा देश दुखी है, आंखें नम है। और ऐसी तस्वीरें सितारगंज से सामने आई, जहां पर सितारगंज में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जाबाज सैनिकों के शहीद होने पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों सदस्यों की तरफ से उन्हें अदम्य शौर्य, साहस और देश सेवा को याद करते हुए नमाखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। सितारगंज की तस्वीरें, देश उन्हें याद कर रहा है, देश उन्हें नमन कर रहा है, पक्ष हो विपक्ष हो हर कोई उन्हें याद करता हुआ नजर आ रहा है। हम सब जानते हैं बहुत ही दुख का समय है हमारे देश के लिए, जिस प्रकार से जो क्षति हमारे देश को पहुंची है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। हमारे जनरल बिपिन रावत जी अपनी धर्मपत्नी जी और 11 सैन्य अधिकारियों के साथ, जैसे उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सभी की जान चली गई, ये बहुत ही अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 मिनट का मौन रख के नगर कांग्रेस कार्यालय में दी गई है। सुरक्षा कवच के रूप में जो रावत जी ने देश के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है, जनता वो कर्ज कभी नहीं उतार सकती है। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार वकील कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को 3 साल बाद मुंबई की बाइकुला जेल से रिहा मिल गई है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बुधवार को सुधा को 50,000 रुपये के कैश बेल बॉन्ड पर जमानत दी। हालांकि बॉन्ड के अलावा भी उन्हें कई शर्तों का पालन करना पड़ेगा। कोर्ट की शर्तों के अनुसार सुधा को मुंबई में ही रहना होगा। हाजिरी की तय तारीखों पर उन्हें कोर्ट में पेश होना ही होगा। वो मीडिया से केस से जुड़ी किसी भी तरह की बात नहीं कर सकती हैं। इसके साथ उन्हें अपने पासपोर्ट भी जमा करने होंगे। सुधा भारद्वाज को 3 साल पहले भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को उन्हें डिफॉल्ट जमानत दे दी थी। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले को एनआईए ने 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जमानत बरकरार रखी है। तो 3 साल बाद सुधा भारद्वाज की रिहाई हुई है।
कई शर्तों का पालन करना पड़ेगा, पासपोर्ट भी जमा कराना पड़ेगा, मुंबई से बाहर नहीं जा सकती हैं, साथ ही साथ अगर मीडिया से रूबरू होती हैं तो इस केस से जुड़ी कोई भी बात वो नहीं कर सकती। वहीं बुलंदशहर में एक पालतू मछली चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ऑस्कर प्रजाति की इस मछली के स्किन के ऊपर अल्लाह का और मोहम्मद लिखा हुआ है। बड़ी बात यह है कि यह मछली हिंदू व्यापारी के यहाँ एक्वेरियम में पल रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल से हिंदू व्यापारी मछली पालता आ रहा है, जबकि 3 साल पहले यह व्यापारी ऑस्कर प्रजाति की मछली खरीद कर लाया था। वहीं यह मछली उस वक्त चर्चा में आई जब हिंदू व्यापारी के यहाँ खरीदारी करने पहुंचे एक मुस्लिम शख्स की नजर इस मछली पर पड़ी। व्यापारी का दावा है कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मछली की कीमत 3 लाख तक लगा चुके हैं। हालांकि अभी हिंदू व्यापारी इस मछली को बेचने को तैयार नहीं है। वहीं मछली पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखे होने की खबर जैसे ही शहर में फैली तो उसके बाद व्यापारी के यहाँ मछली देखने पहुंचने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। तो बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई है। अनोखा मामला सामने आया है जिस पर आधे लोग विश्वास कर पा रहे हैं, आधे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। तो मछली के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ तो जरूर लग रही है। बुलंदशहर की तस्वीरें, कुदरत का नायाब करिश्मा, ये मछली जो कि एक्वेरियम में पल रही है। सभी 3-4 तरह की मछलियां मेरे पास हैं, लेकिन अभी जल्दी में मुझे पता पड़ा कि एक मछली जो है इस पे एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। ये एक मुस्लिम थे, उन्होंने बताया थे उर्दू भाषा में इस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है और उसके बाद निरंतर मेरे पास इसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि बताया जाता है कि ये उनके लिए शुभ है। जब उनके लिए शुभ है तो क्यों ना मैं इसे अपने पास ही रखूँ और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। कितने कितने रुपए लग चुके हैं इस मछली के? एक दिल्ली से थे, उन्होंने जो है इस पे 3 लाख रुपए लगाए, उसके बाद एक और थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए इसके लगाए। आप इसको बेचना नहीं चाहते? मैं इसे बेचना नहीं चाहता। वाराणसी में मस्जिद के बाद अब कांग्रेस कार्यालय को गेरुआ रंग में रंगे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर वाराणसी के 2 दिवसीय आगमन और विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पहले विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्गों की पेंटिंग कराई जा रही है। एकरूपता के संदेश के लिए गेरुआ रंग से पेंट कराया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बनारस के मैदागिन चौराहों पर स्थित कांग्रेस के महानगर कार्यालय को गेरुआ रंग से पेंट कर दिया। इसके बाद विवाद खड़ा होना ही था। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बकायदा चिट्ठी लिखकर वाराणसी विकास प्राधिकरण को पेंट हटाने का 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो फिर कड़े विरोध की चेतावनी भी दी जाएगी। मालूम हो कि अभी शहर के बुलानाला इलाके में स्थित कर्ण घंटा मस्जिद को भी वाराणसी विकास प्राधिकरण ने गेरुआ रंग में रंग दिया था, जिस पर मुस्लिम समुदाय और मस्जिद से जुड़े लोगों की आपत्ति के बाद बैकफुट पर आते हुए प्राधिकरण ने वापस मस्जिद को सफेद रंग से पेंट करा दिया था। खैर, ये तो मस्जिद का मामला था, धर्म का मामला था, लेकिन अब जब कांग्रेस कार्यालय को ही गेरुआ रंग में रंग दिया गया है तो अब कांग्रेस क्या करेगी ये देखना होगा। अल्टीमेटम दे दिया गया है 36 घंटे का कि जल्द से जल्द वापसी इसे ऐसे ही किया जाए जैसे पहले था। देखना होगा कि इस पर किस तरह का फैसला लिया जाता है। तो कांग्रेस दफ्तर को गेरुआ रंग में रंग दिया गया है। नाराज कांग्रेसियों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 36 घंटे के भीतर इसे पहले जैसा करें, वरना आगे कड़ी चेतावनी भरे सुर में उन्होंने कह दिया है कि ये जो प्रदर्शन है वो और तेजी के साथ होता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर वाराणसी के 2 दिवसीय आगमन और विश्वनाथ धामों के लोकार्पण के पहले विश्वनाथ मंदिर के जाने वाले जो मार्ग है वो पूरी तरह से पेंट कराए जा रहे हैं। वाराणसी कांग्रेस कार्यालय को बिना अनुमति लिए, बिना सहमति पत्र लिए गुलाबी रंग से रंग दिया गया है और कार्यालय से छेड़छाड़ किया गया है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कोई बड़ा झंडा लगा था, उस झंडे को हटाकर गायब कर दिया गया है और झंडा नहीं दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है अधिकारियों कर्मचारियों से झंडा बताया जा रहा है, झंडा कहाँ रखा है? यह अधिकार के खिलाफ है और कांग्रेस कार्यालय को पूछना चाहिए था ना रखने से पहले कि रखा जाए कि नहीं रखा जाए। कांग्रेस कार्यालय के जो झंडा हटाया गया है उसको तत्काल कार्यालय में दिया जाए और पूरा की स्थिति लाई जाए। मैंने कल PDA के उपाध्यक्ष जी को लेटर दिया
कि 36 घंटे के अंदर मेरे कार्यालय को पुनः की स्थिति लाई जाए, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, बांधूंगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए बांधूंगा। आज मैं ऐसा कार्यालय में बैठे हैं, देख रहे हैं क्या कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, ये पूरा मामला वाराणसी का, जहां पर कांग्रेस कार्यालय को गेरुए रंग में रंग दिया गया है। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां पर एक मस्जिद को गेरुए रंग में रंग दिया गया, वो फैसला तो वापस लिया गया, वापस सफेद कर दिया गया रंग। अब क्या होगा, आगे क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो 36 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। देखिए, बिल्कुल 13 दिसंबर को लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे थे और ये 14-13 दिसंबर को वाराणसी प्रधानमंत्री जी आएंगे, जिसमें इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन इनको करना था, जो तो इनका मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ड्रीम प्रोजेक्ट की बात है तो इसमें गुलाबी रंग से, यानी एक ही रंग के प्रतीक पे संदेश देना था। तो उसमें पहले, सबसे पहले जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर एक मस्जिद थी, तो उस मस्जिद को पहले गुलाबी रंग में रंगा गया। जब मस्जिद प्रशासन ने इस पर आपत्ति जताई तब उनको सफेद रंग से रंगने के कर दिया गया। अब कांग्रेस कार्यालय के जो वहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अशोक जी ने, उन्होंने 36 घंटे का लेटर देकर अल्टीमेटम दिया है कि अगर 36 घंटे के अंदर पुराने रंग में अगर कांग्रेस कार्यालय को वापस नहीं रंगा जा रहा है तो इसके लिए वो उचित कार्रवाई करेंगे और इसके लिए वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल दानिश, चुनाव का समय बेहद नजदीक है, ठीक है, लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर है, लेकिन इस तरह से रंगाई करना, जहाँ एक तरफ मुस्लिम समुदाय नाराज हो गए थे जो मस्जिद पर गेरुआ रंग किया गया था, आपका कार्यालय पर कर दिया गया है, इससे क्या संदेश जा रहा है आम जनता के बीच? आपने बातचीत की होगी, आम जनता क्या कह रही है इस पूरे वाक्य को लेकर? देखिए, वाराणसी में विकास प्राधिकरण जो है बनारस के मैदागिन चौराहे पर जो कांग्रेस कार्यालय से बगल में मस्जिद है, तो पहले मस्जिद को गुलाबी रंग से पेंट कर दिया गया था, जिस पर मस्जिद प्रशासन ने आपत्ति जताई। वहां मुस्लिमों में काफी ज्यादा नाराजगी आक्रोश है, वहां के लोगों का कहना है कि जब वाराणसी की जो जनता है वो वहां से दुखी है, आहत है, वो वहां से नाराज है, इसीलिए इस चीज को छुपाने के लिए उसको एक रंग के रंग में रंगा जा रहा था, जिसमें मस्जिद को रंग दिया गया। जब लोगों ने आपत्ति जताई, मुस्लिम प्रशासन ने, तमाम लोगों ने आपत्ति जताई, तो इसमें कहीं ना खासी नाराजगी दिखी। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय ने तूल पकड़ा। अब कांग्रेस कार्यालय ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस कार्यालय ने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को लगता है कि राजनीतिक मार्केटिंग करके पूरे, ठीक है दानिश, ठीक है, ये अल्टीमेटम समझ आ रहा है कि 36 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन जब इस कार्यालय की रंगाई हो रही थी, जब पेंटिंग हो रही थी, तब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कहां पर मौजूद थे? क्या उस समय भी विरोध किया गया था, और अगर विरोध किया गया था तो किस तरह का एक्शन लिया गया? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल उठाया है। जिस समय रंगाई रंगी जा रही थी उस समय शायद कांग्रेसियों का ये कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जब वो ये कह सकते हैं कि छोटा सा कार्यालय था जो मौके पर कोई कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन जब मस्जिद प्रशासन ने इसको तूल पकड़ा तब कांग्रेसियों को भी इसमें कहीं ना कहीं आपत्ति दिखाई दी। तो अभी जो कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा को लगता है कि राजनीतिक मार्केटिंग करके पूरी वाराणसी की जनता को शायद भ्रमित कर लेंगे, जबकि कांग्रेसियों का यह भी आरोप है कि काशी की जनता का कणकण में शंकर को पूछती है और माल में पूजा करने के लिए मोदी को सांसद चुना था। आप काशीवासी बाबा के दर्शन करने के बजाय चलो माल चलाने की सोच रहे हैं, तो 2022 में उन्होंने पेंटिंग को चुनावी मुद्दा बना लिया है। यानी ये कह सकते हैं कांग्रेसियों समेत जो वाराणसी की जनता है वो इस पर नाराज दिख रही है कि वाराणसी में विकास की बजाय अब पेंटिंग को मोटिव बनाकर भाजपा राजनीति करना चाहती है। दानिश, के प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया कि जो रंगाई की गई है, 36 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है, इसको लेकर वापस क्या मस्जिद जैसा हाल ही होगा कि मस्जिद पे पहले गेरुआ रंग किया गया, उसके बाद फिर वापस सफेद रंग किया गया था? देखिए, वाराणसी प्राधिकरण की तरफ से जब आपत्ति, जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से आपत्ति जताई गई मस्जिद प्रशासन की तरफ से, तब आनंद फानंद में मामला देख तक वाराणसी प्राधिकरण ने तुरंत ही उनको पुराने रंग में रंग दिया मस्जिद को। इसके बाद कांग्रेस ने तूल पकड़ा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुद्दा बन गया और गुलाबी रंग पे कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है, यानी पेंटिंग पे भाजपा को आड़े हाथों कांग्रेस ने ले लिया है। तो अब विकास प्राधिकरण के पास 36 घंटे हैं, यानी कि जब कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि जब मस्जिद तुरंत ही आपने पुराने रंग में रंग करके अपने आप को छुपाने की कोशिश की अपनी गलती को, तो अब आपको हमारे कांग्रेस कार्यालय को भी पुराने रंग में रंगना पड़ेगा, नहीं तो 36 घंटे बाद विरोध प्रदर्शन जारी होगा। इसको लेकर के अब राजनीति वाराणसी से लखनऊ तक शुरू हो गई है।
ठीक है दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो वाराणसी का एक पूरा मामला है, 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, तमाम परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो ऐसे में जो मार्ग है, जिस मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, उनको गेरवे रंग में रंगा जा रहा है, लेकिन कई बार आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है। जैसे कि इससे पहले मामला आया था कुछ दिन पहले ही कि मस्जिद को गेरवे रंग में रंग दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठन के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन अब कांग्रेस जो कार्यालय है उसको रंग दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, किस दिन मामले बढ़ रहे हैं तो किस दिन केसेस कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा गुरुवार की अपेक्षा कम हुआ है। पिछले 24 घंटों में 8,503 नए मामले सामने आए, वहीं मौतों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 624 लोगों की जान चली गई, जो आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसके अलावा 7,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, वहीं एक्टिव केसेस की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। देश में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या अब 94,943 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7,678 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमने पहले भी आपको दिखाया, एक बार फिर से इस वीडियो को हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस वाला एक शख्स पर लाठियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है। जिस शख्स के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई, उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है, एक मिनट से कम के इस वीडियो में देखा जा सकता है। जिस शख्स को मारा जा रहा था, वो बार बार पुलिस से अपील कर रहा था कि बच्चे को लग जाएगी, उन्हें ना मारे, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूपी पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि लाठी बरसाने वाले सच्चों को लाइन हाजिर कर दिया गया, हालांकि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था, वो और उनका भाई अस्पताल में अराजकता फैला रहा था, इसी बात यह एक्शन लिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज जिला अस्पताल के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर किया था। कानपुर देहात का ये वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये जो हैं अपने भाई के साथ मिलकर अराजकता फैलाते हुए नजर आ रहे थे। जाएगी, लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें कानपुर देहात से सामने आ रही हैं। तुमको हीरो बनाऊंगा, हीरो, मुझे हीरो बनाऊंगा। जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला द्वारा 100-150 लोगों के साथ अराजकता फैलाते हुए अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया था और अस्पताल कर्मी मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में सीएमओ और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को सूचना देते हुए पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के समझाने पर भी रजनीश शुक्ला उसके साथ ही नहीं माने और उन्होंने चौकी इंचार्ज व उनके कुछ सिपाहियों को एक कमरे में बंद कर दिया था और अभद्रता करने की कोशिश करने लगे थे। और इस मौके पर थाना अध्यक्ष पर्याप्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और रजनीश शुक्ला और उसके साथियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु रजनीश शुक्ला और उग्र होते हुए थाना अध्यक्ष पर हमला करते हुए उनका अंगूठा दांतों से काट लिया था और पूरे अस्पताल में अराजकता का माहौल बन गया था। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति रजनीश शुक्ला का भाई है और वो बच्चे को साथ ही भीड़ के में जाकर लोगों को उकसाने का कार्य कर रहा था और साथ ही मना करने पर अभद्र व्यवहार कर रहा था। मौके से हटाने के लिए पुलिस बल द्वारा न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग किया गया और उससे बच्चे की सुरक्षा का भी प्रयास किया गया था। उक्त रजनीश शुक्ला पूर्व में भी एसडीएम पर हमला करने का अपराध दर्ज है और जो न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी पूरे प्रकरण को
इस मामले में तथ्यों की संपूर्ण जानकारी के लिए जांच कराई जा रही है और जांच विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।